But the question comes, okay, this is for the clients and all that. Why small cases? How is it beneficial and all? This was the product overview कि okay, ये product overview था कि आप यहाँ पे इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑल वेदर में इन्वेस्ट कर लिया, आपने इसे फार्मा में इन्वेस्ट कर लिया. बट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या करना चाहिए, हम क्यों स्मॉल केस पिच करने का फायदा क्या है. सबसे पहला मैंने जैसे बोला, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप समझ सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं क्लाइंट को इजीली समझा सकते हैं. व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन इजीली मेक द क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड. सेकंड, कीप इन्वेस्टर्स एंगेज्ड विद रेगुलर एसआईपी. जितने रेगुलर एसआईपी और रीबैलेंस हैं, क्लाइंट एक्टिव रहता है और इन्वॉल्व रहता है प्रोसेस में. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू. तो जैसे मान लीजिए मैंने आज 10,000 रुपए डाल दिए एक स्मॉल केस में, आई इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज. आई कैन सेट अप अ वीकली एसआईपी ऑल्सो. मैं हर हफ्ते एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ 5,000-5,000 रुपए, 15,000-15,000 और वॉट एवर अमाउंट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट. तो क्या इससे क्या मेरा रेगुलर ट्रांजेक्शन होते रह रहा है, मैं एक्टिव हूँ एंड आई एम इन्वॉल्व, मेरा कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन चल रहा है, विच इज वॉट एट द एंड एवरी वन वॉन्ट्स. कि अगर कुछ क्लाइंट है, इफ देर इज अ क्लाइंट, ही शुड रिमेन एक्टिव. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एवरी वन वॉन्ट्स. देन वी हैव रेगुलर रीबैलेंसेज. एज आई टोल्ड यू, वी हैव अ रिसर्च टीम जो कि ये पोर्टफोलियोज बनाती है एंड मेंटेन करती है. द रिसर्च टीम क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दीज पोर्टफोलियो फॉर क्लाइंट टू मेक श्योर दैट द पोर्टफोलियो इज अपडेटेड. दे हैव टू रीबैलेंस इट एवरी 3 मंथ्स. ऑल द थिंग्स आर बींग डन बाय द रिसर्च टीम. द क्लाइंट्स ओनली हैव टू गिव द कंसेंट. क्लाइंट्स को सिर्फ अपना कंसेंट देना है कि हाँ उनके सामने दिख रहा है रीबैलेंस में, ओके रिसर्च टीम ने ये दो स्टॉक हटाया है, ये दो स्टॉक ऐड किया है. ऑल दे हैव टू गो क्लिक कंफर्म एंड डन. आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आपको मैनुअली जाके एक एक स्टॉक खरीदने बेचने की कोई जरूरत नहीं है. आप ऐसा समझिए कि आपको अगर 10 स्टॉक आपके अकाउंट एंजल अकाउंट से खरीदने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से, आपको कैसे खरीदने पड़ेंगे. आप जाए एक एक करके स्टॉक बाय करिए. यहाँ पे वो चीज आपका आसान हो जाती है फॉर द क्लाइंट ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो. हमारा जो ट्रांजैक्शन है 10 स्टॉक का ही हो रहा है. व्हाट एवर ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग फॉर दोस 10 स्टॉक्स. सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट फॉर अ स्मॉल केस. क्लाइंट को भी थोड़ा समथिंग एक्साइटमेंट लगेगा, अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिव लगेगा, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू. एंड ऑब्वियसली एट द एंड अगर पैसा बन रहा है तो मतलब नथिंग बेटर देन दैट. एक्सेलेंट एक्टिवेशन टूल एज आई कैन टेल. कि अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर इनएक्टिव. From what my previous experience is around, if we have 30% decline, I think only 20-30% active scenario might be different in some places. But this is the general practice. Clients see active. This is basically I have talked to people. So सबको small case as an activation tool, क्योंकि उसके ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है. एक क्लाइंट आइडिया बताना पड़ता है, एक बार एड्रेस कर दिया. तुषार, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. हेलो, या तुषार माइक दिस साइड, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. वन सेकेंड, इज इट ओके नाउ? नो. वन सेकेंड, जस्ट मी वन. हेलो, या क्लियर? इज इट बेटर नाउ? यस, नाउ नाउ क्लियर. ओके, देयर वाज सम इश्यू विद द ब्लूटूथ आई थिंक. अभी ओके, परफेक्ट. सो एज आई वॉज टेलिंग, एक्टिवेशन टूल मतलब नथिंग बेटर देन दैट. वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू एटलीस्ट हैव अ लुक. एंड इफ यू हैव स्पोकन टू 10 कस्टमर्स, आई एम श्योर एटलीस्ट यू वुड गेट सम परसेंटेज यू वुड गेट कन्वर्टेड विद स्मॉल केसेस फॉर श्योर. मोर ऑर्डर्स, लेस एफर्ट. इफ अ क्लाइंट स्टार्ट देयर एस आई पी ऑन देयर ओन, रीबैलेंसिंग ऑन देयर ओन, वी डोंट हैव टू डू एनी थिंग. वी हैव जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स विच आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस एंड द ब्रोकरेज एंड इट विल कीप ऑन फ्लोइंग. SIP generates recurring returns. In small cases, you can start stock SIPs as well with a basket. Obviously, because transaction will happen, AUM will be built. It would be better for everyone.
सो इजी टू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, क्लाइंट को समझा सकते हैं, इन्वेस्टर एंगेज रहता है बिकॉज एसआईपी रेगुलर रीबैलेंस, क्लाइंट कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते रहता है जो हमको हमेशा चाहिए, एक्सेल कर रहे हैं या जो इनएक्टिव है, दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग जिससे आप क्लाइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं वी हैव अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, मोर ऑर्डर्स लेस एफर्ट। आपको शुरू में सिर्फ एक बार पिच करना है, उसके बाद चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है सर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सिर्फ क्लाइंट से कभी कभी रेगुलर टच में रहकर बात कर लिया, दैट शुड बी सॉर्टेड, एंड ऑब्वियसली सिप जनरेट्स रिकरिंग रिटर्न्स जैसा मैंने बोला। ओके, सो सिप आप स्मॉल केसेस में सिप कर सकते हैं बिकॉज मार्केट अभी लेट से अभी मार्केट 50,000 पे है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मार्केट तो अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई नॉट इन्वेस्ट, वहां पे सिप कैन बी अ वेरी गुड थिंग। वी कैन ऑलवेज टेल यू गाइज आर एक्सपर्ट्स इन पिचिंग दिस टू द क्लाइंट, वही चीज यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि दैट इज इन स्मॉल केस। हाउ? अगर लेट्स से सिप एनेबल्स क्लाइंट टू कंटिन्यूअसली रिमेन एक्टिव, मंथली सिप इंश्योर्स क्लाइंट इज एक्टिव एवरी मंथ, क्लाइंट को रेगुलरली कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, उसको नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर आ जाएगा, देयर इज कंटिन्यूअस ब्रोकरेज इंक्रीजिंग पीएनएल फॉर सेल्फ एंड द ब्रांच, हमारा क्लाइंट से कंसिस्टेंटली कनेक्शन बना रहता है, एंड लास्ट अगर कोई दे दें या कुछ अदर प्रोडक्ट्स जो हम लोग करते हैं उसमें क्रॉस सेलिंग का भी ऑप्शन दे दें। सो सम डिड यू नो फैक्ट्स, क्लाइंट कैन स्टार्ट एसआईपी इन अ स्मॉल केस एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब क्लाइंट पहला अपना बाय करता है उसी टाइम वो एसआईपी भी सेट कर सकता है। जो एक्टिव सिप है कभी भी चालू हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। जैसे आप नॉर्मल शेयर बाय करते हैं सेम तरीके से आप स्मॉल केस भी बाय कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई एग्जिट लोड कुछ नहीं है। क्लाइंट्स अपना स्टॉक बास्केट से उसे मैनेज कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, क्लाइंट कैन मैनेज देयर बास्केट अकॉर्डिंगली एज पर देयर नीड्स, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और दे हैव फुल कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी ओवर देयर इन्वेस्टमेंट्स, कब कितना इन्वेस्ट करना है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ओके, अगर किसी को कभी भी लॉग इन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सम ऑफ यू माइट हैव फेस सम इश्यूज इन लॉग इन, ये आप लिंक डीलर हेल्प एट दी रहती है, एंड अगर इफ सम इश्यूज विद द क्लाइंट लॉग इन, ऑल दे हैव टू गो इज angelbroking.custhelp.com/app/ask login। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पीपीटी प्रोडक्ट ओवरव्यू, अभी हम प्लेटफॉर्म डेमो पे जाएंगे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। आप लोग आपके क्वेश्चन डाल दीजिए, वील जस्ट गिव मी वन मोमेंट, या क्वेश्चंस लेट मी जस्ट सी। रिप्लाई ऑफ टिकट इज रिसीव्ड ओनली आफ्टर 3 to 5 days, श्योर डेफिनेटली, समटाइम्स फॉर सम रीजन डिले might happen, but we'll try to resolve it at the earliest, but for login issues as of now this is the only way ki jisme aap kar sakte hain. Fir uske baad how can I log in, I'll tell you how to log in this, not able to log in, ye angel app mein option kahan dikhta hai wo bhi main aapko bata dunga iske baad, ठीक है। सो फॉर नाउ लेट्स गो ऑन टू द प्लेटफॉर्म डेमो, आपको मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म दिखा देता हूं कि कैसे चलता है, क्या होता है। यस, हियर इट इज डन। सो ये हमारा डैशबोर्ड है, smallcases.angelbroking.com। अगर आप वेब से लॉग इन करना चाहते हैं सो करेंटली आपको smallcase.com पे जाना है, वहां से आप एंजल के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, यू हैव टू गो टू smallcase.com एंड फ्रॉम देयर यू कैन लॉग इन।
by selecting angel broker, or you can just go to smallcases.angelbroking.com where you have to enter your credentials. So as of now, through the web, this is the only way, or else you can use the Angel Broking app and invest. App ka kya hai? I'll tell you at the end ki how can you log in through the app. Okay, so did I miss any questions or something? Just I'll have a look. Not able to log in. Angel brokerage benefit. Okay, so इसमें ये है कि client का इसमें कोई extra charge नहीं रहता है, आपका client active रहता है. जो भी brokerage है वो directly आपको map हो जाती है उसकी. अगर client जैसे sip कर रहा है, कोई इसके extra charges है कुछ है नहीं. उसके जो भी स्टैट्यूटरी चार्जेस, गवर्नमेंट वो टैक्सेस रहते हैं, वो सब नॉर्मली लगते हैं. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है. क्लाइंट सिप करता है, आई जॉइन लेट, प्लीज शेयर पीपीटी. श्योर, वंस दिस सेशन इज ओवर आई विल शेयर द पीपीटी विद पूनम एंड शी कैन शेयर दैट विद एवरीवन. ऑल्सो आई फॉर नाउ आई विल जस्ट एड द ईमेल आईडी इन द चैट सेक्शन to everyone. smallcase.com. Yeah. ठीक है. I'll just explain the platform and then I'll get back to question. So this is the dashboard. जब आप app से login करते हैं या जब आप website पर login करते हैं, आपको login करने के लिए smallcase.com या smallcases.angelbroking.com पे आपको जाना पड़ता है. As of now, this is the only way. Once you log, you'll see a dashboard. Here you'll see what are the investing insights and all those details. कि कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, currently क्या आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखेगी. बाकी अगर आपको और कुछ देखना है, एवरीथिंग वुड बी देयर इन डिस्कवर. यहाँ पे आप सब कुछ डिस्कवर कर सकते हैं. अभी फोकस में कौन सा स्मॉल केस है, जैसे इक्विटी गोल्ड 245 rupees का है, वहीं न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा आइडियल है. ओके, पांच स्मॉल केस है. डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, जो कंपनीज करेंटली डिविडेंड दे रही है. ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी स्मार्ट बीटा, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा, ये सारा डिटेल आपको यहां पे दिख जाएगा. उसके बाद अगर आप देखना चाहें कि जैसा मैंने आपको बताया, फाइंड योर स्मॉल केस, अगर कोई यूजर कंफ्यूज है या आप उसे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि कहां पे करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो आप फाइंड योर स्मॉल केस ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं. ओके, अभी अगर उनको लो रिस्क में जाना है, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट विद अ लो रिस्क, दे कैन गो टू ऑल वेदर इन्वेस्टिंग. इफ दे वांट टू टेक मोर रिस्क, ओके, आई हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ. स्मार्ट बीटा, एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाए. हियर यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज, आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे रिस्क कम ही रहता है. बट अगर आप और रिस्क लेना चाहते हैं, ओके, वी हैव popular small cases, we have small cases which impact the economy, time tested and established strategies etc. यहाँ से आप choose कर सकते हैं. If not, create your own small case. Any favorite stock है, उसका नाम डाल देता हूँ. जैसे मैंने अपना नाम लिया Angel Long Term. ठीक है, someone की अगर किसी के कुछ favorite stocks है, just mention it in the chat section. I'll add those in my created small case of 2 years. IRCTC, Mr. Sahu has said IRCTC. I'll add IRCTC. Reliance. Reliance डाल दिया. ठीक है, दो. एंड मुझे अगर एक मैं बोलूं, अभी रिसेंट थॉट चल रहा है टाटा मोटर्स, मान लेते हैं टाटा मोटर्स डाल दिया. तीन शेयर्स डाल दिया. चलिए एक और डाल देते हैं. That's it. ठीक है, I added these four companies. I can add a segment if required. मुझे कुछ अलग segment रखना है. जैसे यहाँ पे pharma का अलग डाल दिया, save कर लिया. ठीक है, अब कुछ add करना है तो उसमें जैसे मैंने डाल दिया Sun Pharma. Yeah, this is just adding segment. What I can do here is I can keep it equi-weighted. मतलब मैं उसे equal weightage रख सकता हूँ, कि मतलब मेरा जितना भी invest होगा हर company में almost equal पैसा जाएगा. अगर पांच कंपनीज है तो हर कंपनी में 20-20% ही जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर प्राइस. अगर किसी का शेयर प्राइस 10,000 रुपए है एक शेयर का, और मैं इक्विवेटेड कर रहा हूं, तो मतलब आपका
जो अमाउंट है वो 50,000 तक जाएगा। क्यों? अगर एक कंपनी का शेयर 10,000 का है एंड 20% का वेट है, तो पांच कंपनी का 50,000 होना ही है। यहाँ पे इतना हाई अमाउंट किसी का नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे रिलायंस का करीब 1956 है, 20% वेटेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 10,000 के पास अमाउंट आ गया, 9,200। ऐसे व्हाट आई कैन डू इज हियर, आई कैन चेंज इट टू मार्केट कैप वेटेज। यहाँ से रिलायंस का सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस का और मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। या मैं कस्टम वेटेज भी कर सकता हूँ, आई नो फॉर फैक्ट कि नहीं, मुझे रिलायंस को 10% वेट ही देना है, दैट्स इट। बट मुझे टाटा मोटर्स में मेरा 40% वेटेज रखना है। आई कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ इट। और वॉट आई कैन डू इज आई कैन सिलेक्ट शेयर्स। नहीं, आई वॉन्ट टू हैव 3 शेयर ऑफ रिलायंस, 50 शेयर ऑफ टाटा मोटर्स, 2 शेयर ऑफ सीक्वेंट एंड 2 शेयर ऑफ IRCTC। वंस गुड टू गो, आई कैन सी कि ये रहते। आपको अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करना है फॉर सम रीजन, आपको क्लाइंट को बोलना है कि सर आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं या मंथली SIP। मुझे मंथली SIP करनी है। आपकी मंथली SIP 5,000-5,000 की रहेगी। आप वो अमाउंट कभी भी बढ़ा सकते हैं। ओके, दिख जाएगा व्हाट इज द प्राइस, ये सब। स्टार्ट मंथली SIP, कंफर्म ऑर्डर, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। आपके क्लाइंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड आपको कुछ इसमें ऑनलाइन आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि एक बार उनको बताना है, द प्लेटफॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। हमने इन्वेस्ट कर लिया एंजल लॉन्ग टर्म, एक इंडेक्स वैल्यू आ गया है जो 100 से ट्रैक होता है, करंट वैल्यू इतना, करंट वैल्यू इतना, रिटर्न हमको मिल चुका है एंड दीज आर द टोटल रिटर्न्स। और हमको अगर कुछ देखना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से स्मॉल केसेस है। यू कैन फिल्टर वाया द अमाउंट एक्सेट्रा, यू कैन फिल्टर वाया टाइप ऑफ स्मॉल केसेस, ETF बेस्ड है, थीमेटिक है, स्मार्ट बीटा है, सेक्टर ट्रैकर्स है, एक्सेट्रा। यू कैन सिलेक्ट वाया द रिस्क कैटेगरी, आपको लो रिस्क चाहिए, मॉडरेट रिस्क चाहिए, हाई रिस्क चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द क्लाइंट वॉन्ट्स। आप अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट कर सकते हैं। वॉट आई ऑल्सो डू इज गोइंग फॉरवर्ड आई ऑल्सो शेयर अ ब्रोशर विथ यू गाइज, विच इज अ क्लिकेबल ब्रोशर। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर उनको डिफिकल्ट हो रहा है, सो आप ब्रोशर शेयर कर सकते हैं उनको। वो ब्रोशर पे ही क्लाइंट को जो पसंद आया, दे कैन क्लिक ऑन इट एंड दे विल बी रीडायरेक्टेड टू द प्लेटफॉर्म। यू कैन सिलेक्ट वाया पॉपुलैरिटी, पिछले 1 साल में किसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो भी देख लेते हैं। आईटी ट्रैकर, आईटी कंपनीज बूम की है, 1 साल का रिटर्न करीब 60% है। फार्मा ने 50% का रिटर्न दिया है। ऐसे अलग अलग बास्केट से जिसपे यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाता है। अगर आप एक मंथ का देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। बैंकिंग ने 1 महीने में सबसे ज्यादा दिया है। अभी मार्केट के बाद, बजट के बाद बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इस वजह से यहाँ पे आपको देख रहे हैं। अगर आप इसमें कंपनीज देखना चाहें, जाइए नीचे, आपको डिटेल दिखेगा कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपने पिछले 1 महीने में ये बैंकिंग ट्रैकर ने आपको 12% का रिटर्न दिया है, आप अगर आपने 100 रुपये डाले होते तो आपको 112 मिल गए होते, वर्सेज इक्विटी लार्ज कैप जो कि 3% देता, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का, 2 साल का, एक्सेट्रा। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको रीबैलेंस डेट दिखेगा, आखिरी रीबैलेंस कब हुआ था, अगला रीबैलेंस कब होगा, कौन सी कंपनी में कितना मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी डिटेल रहेगी। अगर आपको कंपनीज देखनी है, जाइए यहाँ पे। ओके, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सारा डिटेल दिखेगा। आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्मॉल केस को कस्टमाइज करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले उसे चेंज करते हैं, आप लोग को जो हमारी रिसर्च टीम से जो रीबैलेंस अपडेट आता है वो नहीं मिलेगा। सो अगर आप कस्टमाइज कर रहे हैं, मतलब आप खुद का आपका पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम इस केस में कस्टमाइज नहीं करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक एंड यहाँ पे कोई अमाउंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका क्लाइंट 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है और इसका अमाउंट 12,000 है, आप उसे बोल सकते हैं कि सर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसको बैकस्पेस करके यहाँ पे 5 लाख टाइप करना है, दैट्स इट। कंफर्म अमाउंट, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जो भी वेटेज है, क्योंकि आपको या तो एक शेयर मिलेगा या 2 शेयर मिलेगा, यू कांट हैव 1.5 शेयर, इसीलिए ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं रहता है। स्टार्ट मंथली सिप एंड कंफर्म। That's it. Your investment has been done. Oh, one second.
डन। सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओके आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू कितनी है एंड ऑल दोज डिटेल्स। आपको यहाँ पे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट की ओके इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स और एनीथिंग वॉट यू कैन डू इज आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड नीचे देख सकते हैं ओके व्हाट आर द करंट प्राइस, आपने कितने पे खरीदा था, व्हाट इज योर करंट रिटर्न एक्सेट्रा। इफ यू वांट टू एडिट द एसआईपी यू वांट टू सिलेक्ट द नेक्स्ट डेट एज व्हाट 17 फेब वीकली 5,000 नहीं फॉर सम रीजन आई वांट टू कीप इट 10,000 आई कैन सेव वीकली 10,000 तो मैंने 10,000 डाल दिया। वहीं जिसको अगर कुछ ऊपर नीचे अमाउंट करना है दे कैन डू इट सेव एसआईपी एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ रिमाइंडर एंड यू कैन वेरी इजीली इन्वेस्ट। सो इट्स दैट सिंपल आपको दैट्स इट एवरीथिंग वुड बी देयर अंडर इन्वेस्टमेंट्स एंड यू कैन यूज द प्लेटफॉर्म वेरी इजीली। सो दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट द प्रोडक्ट डेमो कि क्या कैसा है। अब इन केस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिवेशन टूल कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जिनको आपको एक्टिवेट करना है या जिनको जो रेगुलरली ट्रेड नहीं कर रहे हैं या अगर ट्रेड कर रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है दिस कैन बी अ वेरी गुड पिच। आप उनको बोल सकते हैं कि सर वी हैव आइडियाज बिकॉज अगर कोई नई चीज आती है आई एम श्योर आप भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि हाँ कुछ आया है तो मैं एक बार देख तो लेता हूँ। सेम फॉर क्लाइंट्स कि अगर उनके पास भी कुछ आया है तो एटलीस्ट उनको कुछ नया देखने मिलेगा। दे इन्वेस्ट इन शेयर्स इटसेल्फ, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट इन अ मच मोर सिस्टमैटिक एंड इन अ मच मोर नाइस वे। दैट्स इट। सो क्वेश्चंस आई विल टेक सम क्वेश्चंस जस्ट गिव मी वन मोमेंट। सिप फंड गेट डेबिटेड फ्रॉम बैंक का आपका ये आपका ब्रोकिंग से ही होता है एंड ये ऑटोमेटिक अभी नहीं होता है। अगर आपको आपका सिप डेबिट करना है आपका ये आपके ब्रोकिंग अकाउंट से ही डेबिट होगा। इट्स अ स्मॉल पीएमएस काइंड ऑफ मतलब हाँ अगर आप उसे कंपेयर करना चाहें तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि और कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है एंड कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि जिसके थ्रू आप आपको कुछ भी डिटेल या एनीथिंग चाहिए वैसा कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। मोबाइल ऐप में कहाँ मिलेगा, मैं आपको नॉट एबल टू लॉग इन, तो नॉट एबल टू लॉग इन मैंने जैसे आपको बताया आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। विल सिलेक्ट दिस एज वेल, आई विल पेस्ट दिस ऑन द चैट, रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। मोबाइल ऐप में वंस यू लॉग इन आपको वहां पे लेफ्ट साइड में ट्रेड में ऑप्शन दिखेगा एंड वहां से आप उसमें कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर अ पीपीटी कि कहां से आप उसमें कर सकते हैं एंड कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूजर्स को लॉगिन में इश्यू आ सकता है, अगर किसी को भी लॉगिन में प्रॉब्लम आया तो मैंने एक लिंक डाल दी है यहाँ पे, प्लीज नोट इट डाउन एंड वहां से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, वहां से आप टिकट रेज कर सकते हैं। जब टिकट आपकी रेज हो गई, वंस यू रेज अ टिकट यू विल गेट अ रिवर्ट ओके क्या प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन। ठीक है। सो वंस लाइक यू लॉग इन ऑन द मोबाइल ऐप वन आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन सी दिस और नॉट, दिस इज लाइक द एंजल ऐप। अंडर द एंजल ऐप वंस यू गो अंडर द रिसर्च थिंग जस्ट क्लिक ऑन रिसर्च एट द बॉटम राइट,
Once you click on research, you'll see option external services. Just click there. Once you click on external services, you'll see second option, which is small case. That's it. So if you want to note it down, go on to the Angel app, select research from the bottom right. Once selected research, click external services and then you will see small case. वहां पे अगर आप स्मॉल केस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था वो खुल जाएगा। अगर इसको हिंदी में बताना चाहूं, आप एंजल ब्रोकिंग से लॉग इन करिए, राइट में रिसर्च पे जाइए, बॉटम राइट में रिसर्च पे जाएंगे, आपको वहां पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रिसर्च एडवाइस और एक एक्सटर्नल सर्विस। एक्सटर्नल सर्विस पे क्लिक करिए एंड आपको स्मॉल केस ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको किसी को जैसे नहीं दिख रहा या कुछ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वहां पे जाके